बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के मौत के बाद विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे की शूटिंग सबूत मिटाने की कोशिश है। जब आरोपी अक्षय पुलिस हिरासत में था तो क्या उसके हाथ बंधे नहीं थे? उसे बंदूक कैसे मिली? पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बदलापुर मामले में जहां एक और संस्था के संचालकों के भाजपा से जुड़े होने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वहीं दूसरी ओर आप आरोपी अक्षय शिंदे द्वारा खुद को गोली मार लेना बेहद चौंकाने और संदेहास्पद है। हमें शुरू से ही बदलापुर मामले में पुलिस की भूमिका पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि अब इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बदलापुर प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण को पूरा हैंडल करते वक्त गंभीरता से इस प्रकरण को लिया नहीं था। पूरे देश में प्रक्षोभ था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी और पेरेंट्स ने कंप्लेन करने के बाद भी संस्था के पदाधिकारियों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दिया था, पोस्को कानून के अंदर ये लोग भी आरोपी बनते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। और जो मुख्य आरोपी था, जिसने रेप किया था छोटे छोटे बालिकाओं के साथ में, उस आरोपी को पकड़ने में भी पुलिस ने बहुत सारा समय गवाया। और पकड़ने के बाद एक आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस उसको अगर रिमांड में रखती है तो उसको किस तरह से उसके साथ में पुलिस ने सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, इसके तरफ भी पुलिस ध्यान नहीं दी। और आज जो बात सामने आई, आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग है, संस्था के लोग है, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो उसको बचाने के लिए मुख्य आरोपी को ही खत्म कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। अब चौकसी होगी तभी इसमें सच्चाई और इसके फैक्ट्स सामने आएंगे। हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि आज जो राज्य के अंदर में पूरी कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, तो ये ऐसे घटनाएं जब हो रही तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। हम कल गवर्नर से, सीएम से, होम मिनिस्टरी से सबको हम इस बात को लेकर लेटर लिखेंगे, मांग करेंगे। अगर महाराष्ट्र की महायुति सरकार इस प्रकरण को सीरियसली नहीं लेती, हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी, न्यायिक इंक्वायरी की मांग हम कोर्ट से विनती करके, रिक्वेस्ट करके करेंगे। पर इस यह प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.